क्या आपको मस्कुलर पेन की दिक्कत है? आप हमेशा बॉडी पेन, मस्कुलर पेन की समस्या से परेशान रहते हैं और आप इसके लिए हमेशा पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको डर लगा हुआ रहता है कि कहीं लंबे वक्त तक पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल करने के कारण आपकी किडनी फेल ना हो जाए, जो कि हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मस्कुलर पेन के टॉपिक के बारे में। मैं बात करूँगा कि एक्चुअली मस्कुलर पेन होता क्यों है और एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो मस्कुलर पेन को बड़े आराम से ख़त्म कर सकती है, चाहे वो मस्कुलर पेन कितना भी पुराना हो या कितने भी टाइम से आपको परेशान क्यों ना कर रहा हो। मात्र एक होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप इस मस्कुलर पेन से आज़ादी दिला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जब बारिश का मौसम शुरू होता है या सर्दी का मौसम बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में कई ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं या कई ऐसे यंग लोग होते हैं जिनको जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द होता है। वर्किंग वूमेंस, ऑफिस में काम करने वाले जेंट्स या बुज़ुर्गों को अक्सर रात के वक्त पैरों में दर्द ज़रूर होता है। यह ऐसा पेन होता है जिसके कारण आपकी सही से नींद नहीं हो पाती है और आप हर वक्त हमेशा डिस्टर्ब महसूस करते हैं। दोस्तों, इस मस्कुलर पेन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन के कारण ये मस्कुलर पेन हो सकता है, कई बार मस्कुलर वीकनेस के कारण ये पेन हो सकता है, कई बार कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉब्लम्स के कारण, यानी एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू के डिस्टर्बेंस के कारण भी ये पेन हो सकता है। वहीं कई बार बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण भी मस्कुलर पेन हो सकता है। वहीं बहुत सारे लोगों को ठंड के मौसम में ठंडी में काम करने के कारण भी मस्कुलर पेन होता है। चाहे आपको पेन किसी भी कारण से हो, आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से इस पेन से आज़ादी पा सकते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी है विल्मर शॉबे कंपनी द्वारा बनाए जाने वाली अल्फा एम्पी लिक्विड का। दोस्तों, अल्फा एम्पी लिक्विड ये डॉक्टर विल्मर शॉबे कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो मस्कुलर पेन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अल्फा एम्पी ये ऐसी प्रिपरेशन है जो हर प्रकार के मस्कुलर पेन, चाहे वो जॉइंट पेन की डिफ़िकल्टीज हो, कनेक्टिव टिश्यू की डिफ़िकल्टी हो, बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने के कारण होने वाले दर्द के कारण हो, अर्थराइटिस के कारण मस्कुलर पेन हो, या किसी प्रकार के इन्फेक्शन या मार लग जाने के बाद होने वाले दर्द के कारण मस्कुलर पेन हो, ये हर प्रकार के मस्कुलर पेन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, अल्फा एम्पी टैबलेट्स के मौजूद इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें हर एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। पहला मेडिसिन जो इसमें मिक्स है वो है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ये ऐसी मेडिसिन है जो मस्कुलर पेन ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने के कारण या बहुत ज़्यादा ठंड को एक्सपोज होने के कारण मस्कुलर पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में रस्टॉक्स मदद करती है। रस्टॉक्स ऐसे लोगों में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। इसे वॉशरवुमन रेमेडी भी कहा जाता है, यानी ऐसी महिलाएं जो पानी में बहुत ज़्यादा देर तक काम करती हैं, ऐसी महिलाएं जिनको बहुत बहुत देर तक के पानी के अंदर कपड़े बर्तन करने की ज़रूरत महसूस होती है और इसकी वजह से उनके पैरों में दर्द होता है, ऐसे लोगों को भी अल्फ़ा एम्पी टैबलेट, अल्फ़ा एम्पी लिक्विड बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। दोस्तों, अल्फ़ा एम्पी लिक्विड में मौजूद दूसरे इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो वह है ब्रायनी अल्बा। ब्रायनी अल्बा ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है जिनको किसी इन्फेक्शन के कारण बॉडी में दर्द हो रहा है या मस्कुलर पेन हो रहा है। ब्रायोनी अल्बा ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको मस्कुलर पेन के साथ हमेशा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी हुई रहती है। दोस्तों, अल्फा एमपी में मौजूद तीसरा इंग्रेडिएंट है फिपेंड्रा। फिपेंड्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हर प्रकार को पेन को कंट्रोल करने में मदद करती है। वहीं इसमें एक और एक पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है जिसे सेमसिफुगा कहा जाता है। इसके अलावा एक और इंटीग्रेंट इसमें मौजूद है जो है आर्टिका यूरिनेंस। आर्टिका यूरिनेंस अगर आपके इस समय यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से आपको अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, ये तो हो गई अल्फा एमपी में मौजूद इंटीग्रेंट्स की बात, आप समझ जाते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप अल्फा एमपी टैबलेट्स मार्केट से लेके, अल्फा एमपी लिक्विड मार्केट से लेके आए और इसकी 30-30 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। मात्र 8 से 10 दिन में आपका पेन 50% तक कम हो जाएगा। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाए, आपका पेन कम हो जाए,
तो आप इसकी 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लगातार 3 महीने के इस्तेमाल से आपके बॉडी का पेन चला जाएगा और आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी जो आपके बॉडी पेन को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।